पहले भी गिरफ्तारी या हिंदुस्तान का जो लाया गया वो साथ कांग अभी कौन था। महिलाएं समझाने के लिए गई, उल्टे उन करी पता इनके ऊपर कुछ किया। ये समझी और चाल है पुलिस प्रशासन एसपी ने जानबूझ के कराया है। यहाँ उसके चेले है वो एसपी के रिश्तेदार है, अब उन्होंने जानबूझ के करवाया। आज पहले तारीख दी थी बोले 16-15 तारीख को इसको ले जाएंगे, वहाँ बुला के पंचायत के रूप में बुला के फिर बुला गए। उन्होंने लेकिन तो बहुत ज़्यादा करी है, अब उनको या तो छोड़ दिया जाए, नहीं एग्जाम डाणी गोपाल में नहीं साल हरियाणा में लगेगा। भारतीय किसान यूनियन ट्रिब्यून की तरफ से ऑल हरियाणा काम किया जाएगा। व्यवस्था बना करके रखो। प्रशासन से हमारी एक अपील है कि हमारा ये गांव ढाई सांतला बोजरा बहुत प्यार प्रेम से रहता है, अमन शांति का रहने वाला गांव था। आज सिर्फ एक आपा की वजह से, एक मोड़ की वजह से इस गांव के भाईचारे को बारूद के ढेर पर बिठाने का काम प्रशासन ने किया है। तो मेरी प्रशासन से विनती है कि जिन साथियों को गिरफ्तार किया उन्हें तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, और जो तत्व और देवता और गत करके जो 307 के सजे दर्ज किए हैं वो तुरंत प्रभाव से खारिज किए जाए। प्रशासन सीधी बात है भाई, मैं शांति में बैठा खई करियो ना, ये करो ना तो घर बता लिया यू डेली के बंद करवा दे। सीधी बात है क्या यार, रखिए शांति में बैठा में कोई हुआ लोग और करा। दूसरी बात, तुम को डीएसपी बात करके गए है गुना थाने में ना तो ये गांव में डर लग है, सुन दे मेरी बात, ना या धरती डर लग है, खट्टर ताई हाल गया तो हिम्मत ही की है, फीत किन्ने जानी रहेंगी समझ में कोई आओगी समझ जा। जुन सा आदमी करा पंचायत में बुला मेहरबान भीतर ठोका है, जे इतनी गर्मी खानी 2000 काम है, अरे बैठे हो काम है सारो काम तैयार है, ई बलद लिया बुला लिया तेरी मशीन सारा चल लगा है। जे बाबे की इतनी मेहर आवे तो पुलिस प्रशासन में लिया बिठा दो बड़ा फैसला करते हो, तारली सीट पे बिठा दो, पुलिस लाइन में बिठा दो, अच्छा डोरा देवे है, है? अच्छा डोरा देवे है। पुलिस लाइन में ले जाओ मेहता बरत लियो केयर बरत लियो केयर बरत लियो बात सुनो मेरी सुनो बात मंच पर होगी ठीक है। सीधी बात तो यह है बछोरा ने फोन करके छुटवा पूरे जाओ बने फिर करावा बात नहीं होता रहो ब्यूरी रह लो दूसरी बार सुन लो जो काम को ठाउंडर है घना ही चल रहा कैसे इनको तो बस वादे तैयार बैठे हैं है आ जा डरो बात आओ माइक पे प्रशासन बातचीत करने में हमारे बीच में आया, सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग शांति व्यवस्था बना करके एक बार बैठ जाओ, सभी के सभी लोग सामने आके बैठ जाओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।
सारा के सारा बैठ जाओ, पुलिस प्रशासन आए ना, मैं सारा उन्हें बैठ के बीच में बात करा, नारी बात खोली करा, बैठ जाओ बैठ जाओ। एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ते हुए हमारे गांव के युवा साथी एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं शांति प्रिया बैठ जाओ, बोल दियो बैठ जाओ बैठ जाओ सारा रोड पर। ये है तीनों चारों ढाणी बाहर से आए भी गणमान्य लोग इस धरने में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं और पुलिस प्रशासन को यह बात पूरी दिमाग में घाल लेने के लिए लिहाज पर चलो एकदम से तैयार किया। अगर जो इस तरह की घटना दोबारा हुई या उन हमारे भाइयों को नहीं छोड़ा गया तो यह कोई धरती है जहाँ से मोदी खट्टर सारा दुख गया है, रानी गोपाल की धरती है, तो पुलिस प्रशासन जाने भी है खास कर तो हमारी खुली चेतावनी है पुलिस प्रशासन को भी जितना जल्दी हो सके उन्हें छोड़ दें, नहीं तो भारी मात्रा में लंबे टाइम तक यहाँ धरना लगाया जाएगा। यह हरकत है खासकर डीएसपी एसपी की, तो हम उन्हें चेताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें छोड़ दें, नहीं तो भाई कम से कम 20-30 गांव यूरर कक्षा करके रहूंगा धाम में, फिर आ जाएगी समझ में, डीसी का भी आ जाएगी एसपी का भी आ जाएगी। मुर्दाबाद भारत सरकार, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद उत्तर सरकार, मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद रिश्वत खा के दूसरी धाराएं लगा के और हमारे युवाओं को बात करने के बहाने बुला के गिरफ्तार किया है, इस घटना की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन को चेताते हैं, या तो वो होश में आ जाए नहीं तो जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं है, डानी गोपाल की धरती है, पुलिस